Hello friends, welcome to Wise Investor. Viewers, इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर से दाऊद इक्विटीज लिमिटेड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स का एनालिसिस करेंगे. व्यूअर्स, दाऊद इक्विटीज लिमिटेड May 3, 2006 में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और प्रिंसिपल बिजनेस में कंपनी की ट्रेडिंग और ब्रोकरेज है लिस्टेड इक्विटीज में, अंडरराइटिंग में और इन्वेस्टमेंट्स. अगर हम कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो 16 साल के अरसे में कंपनी का शेयर प्राइस लो 0.60 रुपीज़ और शेयर प्राइस हाई 42.40 रुपीज़ पर शेयर का रहा है. एवरेज शेयर प्राइस इस अरसे में 21.50 रुपीज़ पर शेयर है. इस एवरेज शेयर प्राइस पर 100 शेयर्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,150 रुपीज़ कॉस्ट करती है और टोटल कैश डिविडेंड कंपनी ने इस अरसे में अपने शेयर होल्डर्स को 10 रुपये दिया है. टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 से बढ़कर 110 हो गए. लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस जो कि 4.06 रुपीज़ पर शेयर है, इस पर टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 446 रुपीज़ है, जो कि ओवरऑल इस अरसे में 78.76% का लॉस है और ईयर ऑन ईयर 4.90% का नेगेटिव रिटर्न है शेयर होल्डर्स के लिए उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर. इसी तरह अगर मीडियम टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 साल के अरसे में कंपनी का शेयर प्राइस लो 1.65 रुपीज़ और शेयर प्राइस हाई 35.94 रुपीज़ पर शेयर का रहा है. एवरेज शेयर प्राइस इस अरसे में 18.70 रुपीज़ पर शेयर की है. इस एवरेज शेयर प्राइस पर 100 शेयर्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,870 रुपीज़ है और टोटल कैश डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इस अरसे में 10 रुपये का दिया है और टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 से बढ़कर 110 हो गए हैं. लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस जो कि 4.06 रुपीज़ पर शेयर है, इस पर टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 446 रुपीज़ की है, जो कि ओवरऑल इस अरसे में 75.50% का लॉस है और ईयर ऑन ईयर 7.5% का नेगेटिव रिटर्न है शेयर होल्डर्स के लिए उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर. थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक विद योर इन्वेस्टमेंट्स.